ये फ्रेंड्स, अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का लाइव डेमो दिखा रहे हैं। ये टॉपिक जनरली इन्वेस्टर के काफी काम का है, ट्रेडर्स के तो उससे भी ज्यादा काम का है, बट जानकारी के अभाव में इस टॉपिक को इग्नोर किया जाता है। किसी भी स्ट्रेटजी की सक्सेस जिस बात पे डिपेंड करती है उसका नाम है ड्रॉडाउन। अगर आपको सबसे पहला क्वेश्चन किसी से ये पूछना चाहिए, जो कि लोग नहीं पूछते हैं, पूछने का जो लोगों का फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है वो है कि एक्यूरेसी क्या है आपकी स्ट्रेटजी की, कितने परसेंट ये रिटर्न जनरेट कर सकती है, ये लोग सारे पूछते हैं, जबकि मेरा मानना है ये क्वेश्चन गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जहां पे प्रॉफिट्स की संभावना बन रही है और प्रॉफिट्स की बात की जा रही है या प्रॉफिट्स का एक ऑब्जेक्टिव है, वहां पर हमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहिए वो है ड्रॉडाउन। आपकी स्ट्रेटजी की ड्रॉडाउन क्या है? आज के बाद मुझे उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे और ये मैं आपको आज लाइव भी समझाऊंगा और मैं आपको लाइव ड्रॉडाउन अभी निकाल के भी दिखाने जा रहा हूँ। इस सेशन में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ड्रॉडाउन, और इसके साथ साथ हम आपको अपनी लाइव स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन भी दिखाएंगे। ड्रॉडाउन अगर आपके पास आ जाता है तो आपको क्या पता लगता है, आपको उस स्ट्रेटजी की रिस्क पता लगती है, आपको उसको उस स्ट्रेटजी की रिवॉर्ड पता लगती है। ड्रॉडाउन किस चिड़िया का नाम है ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी इसको हम भी भूल जाते हैं कि हमें इसको उठाना चाहिए, तो फिलहाल इस टॉपिक के लिए मुझे अभी किसी ने याद कराया ये टॉपिक ताकि मैं आप तक ये टॉपिक पहुंचा पाऊं। ये टॉपिक अभी मैं किसी स्ट्रेटजी से मिलने गया था तो वहां पर मेरा भी क्वेश्चन सिमिलर ही था कि क्या एक्यूरेसी है स्ट्रेटजी की, कितने परसेंट रिटर्न जनरेट करती है। वापस में उनका कहना यही था कि आपने मेरे से ड्रॉडाउन नहीं पूछा, वो मेरे दिमाग से उतर गया। जैसे मेरे दिमाग से उतर गया वैसे आपके दिमाग से भी उतर सकता है। ड्रॉडाउन को लोग इग्नोर करते हैं और ड्रॉडाउन को लोग इसलिए इग्नोर करते हैं कि रीजन की ड्रॉडाउन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है लोगों को। बट आज के बाद हमें ड्रॉडाउन को इग्नोर नहीं करना है और हमें ड्रॉडाउन के बारे में पूरा पता करके चलना है। इसके लिए मैं अपने मेंटर और गुरु राजीव मेहता जी से कन्विंस्ड हूं और उन्हीं की वजह से ये सेशन मैं आज ले रहा हूं और उन्होंने मुझे इस टॉपिक का याद कराया और इस वजह से आज मैं इस टॉपिक पे ध्यान लगा पाया हूं। आइए ये टॉपिक अब हम शुरू करते हैं आपके सामने और आपको लेके चलते हैं ड्रॉडाउन। दोस्तों क्या है ड्रॉडाउन? ड्रॉडाउन क्या हमें समझना चाहिए, क्या हमें ड्रॉडाउन जानना चाहिए, क्या हमें बिना ड्रॉडाउन के ट्रेड करना चाहिए, आइए हम इसके बारे में आप समझते हैं। तो दोस्तों क्या है ड्रॉडाउन? देखिए, ड्रॉडाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट को हम टेक्निकल एनालिसिस में तो शामिल नहीं करते हैं, बट यस हम अपने प्रॉफिट एनालिसिस में और रिस्क एनालिसिस में इसको हम शामिल करते हैं। और ड्रॉडाउन से क्या मतलब है हमारा? सो ड्रॉडाउन इज ऑल अबाउट नोइंग द फैक्ट, ये उस चीज को जानने का नाम है जिससे आपको ये पता लगता है कि आपने कितना लॉस देखा है बिफोर मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट देखा है आपने, वो बात समझ में आ गई है, लेकिन प्रॉफिट को देखने से पहले आपने कितना लॉस देखा है, ये जानने की जो आर्ट है उसको ड्रॉडाउन बोलते हैं।
अब एक आदमी ने मान लीजिए 10,000 कमाया है और 10,000 कमाने के लिए उसने 50,000 रुपए का लॉस भी देखा है, तो क्या ड्रॉडाउन, तो इस एट्रीब्यूट को हम ड्रॉडाउन कहेंगे। तो यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए लगाते हैं और म्यूचुअल फंड आपको 5 साल के बाद 8 लाख रुपए देता है, यानी कि आपको लगभग 60% की रिटर्न दी जाती है, और इस 60% के रिटर्न को जनरेट करने के लिए म्यूचुअल फंड ने लगभग आपके कैपिटल का आधा मतलब 2.5 लाख रुपए का रिस्क लिया, 2.5 लाख रुपए का रिस्क लिया और आपको 3 लाख रुपए की रिटर्न दी। सो रिस्क एट्रीब्यूट है ये ड्रॉडाउन। सो किसी भी स्ट्रेटजी की सक्सेस के लिए ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस फैक्टर से ही किसी भी स्ट्रेटजी को एनालाइज किया जा सकता है। मैं अपनी भी स्ट्रेटजी को इसी फैक्टर से एनालाइज करूंगा। और हमने आपको कल एक रोबोट दिखाया था जो कि फॉरेक्स और गोल्ड मार्केट पे काम कर रहा था, उसकी भी हम लाइव बैक टेस्टिंग ड्रॉडाउन के हिसाब से करेंगे। कितनी ड्रॉडाउन अच्छी मानी जाती है, कितनी ड्रॉडाउन होनी चाहिए, किसी भी ज्यादा ड्रॉडाउन अच्छी मानी जाती है, कम ड्रॉडाउन अच्छी मानी जाती है, तो ये हम अभी देखेंगे। ड्रॉडाउन किस फिगर में काउंट होती है, नंबर्स में दिखाई देती है, फिगर्स में दिखाई देती है, पॉइंट्स में दिखाई देती है, तो ये भी हम अब आगे समझेंगे। सो नॉर्मली ड्रॉडाउन परसेंटेज में दिखाई देती है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ऐसे दिखाई देती है। और ये बेसिकली पीक प्राइस से लेके जो आपका सब्सिक्वेंट ट्रॉ का मतलब है लोअर लेवल, जहां पे आपका लोअर कर्व है, पीक और लो जो दो ही कर्व आपके बनते हैं, वहां का जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज हम निकालते हैं, तो इसका भी कैलकुलेशन हम निकालने जाएंगे। सो ये देखें, यहाँ पर जैसे एक हमने investing.com का एक्सैम्पल चार्ट लिया है जिसमें हमने एक पीक मार्क किया है और हमने एक ट्रॉ मार्क किया है, तो पीक और ट्रॉ के बीच में ड्रॉडाउन है, यानी कि प्रॉफिट को अचीव करने से पहले हमने कितना लॉस देखा है वो हम ड्रॉडाउन से निकालते हैं। इसको और भी आसान एग्जाम्पल से समझते हैं, और भी आसान एग्जाम्पल अभी लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। जो लोग हमारे सॉफ्टवेयर सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी एग्जाम्पल काफी काम का होगा क्योंकि ये लोग रेगुलरली देख रहे होंगे। मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपया है और आप 50,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे समझें? और आप ये मान सकते हैं कि ये टोटल वैल्यू 50,000 रुपए आपने मल्टीपल ट्रेड लेके आपने अपनी कैपिटल को 65,000 तक पहुंचाया, तो यानी कि आपके कैपिटल में 15,000 रुपए का इंक्रीज देखा गया और ऑन द डाउन साइड आपने 25,000 रुपए का डाउन साइड देखा। एक तरफ फाइनली आपकी कैपिटल 65,000 पहुंच गई, लेकिन 25,000 तक भी पहुंची थी एक बार के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है ड्रॉडाउन का। इसको हम अच्छा फिगर कहें भाई, ओवरऑल तो अच्छा ही है क्योंकि 65,000 रुपए पे बैठे हैं आप, आपकी रिटर्न जो है वो लगभग यहां से अगर हम माने तो लगभग 25% की है, 25% रिटर्न आपने जनरेट की है, 50,000 को 65,000 रुपए आपने पहुंचाया, ओवरऑल तो ये फिगर शाबाशी देने लायक है कि भाई ठीक है। लेकिन नीचे की फिगर कहती है कि 25,000 तक आपने 50% का लॉस भी देखा, सहा नहीं सिर्फ देखा, यानी कि आपके कैपिटल को खत्म होने में 50% का कंट्रीब्यूशन रहा, कैपिटल 50% तक रिड्यूस हो गई, बुक नहीं किया गया। तो ये एक एग्जांपल ड्रॉडाउन है जो कि टोटल कैपिटल के ऊपर बेस्ड है और इसको हम समझते हैं जल्दी एक और दूसरे एग्जांपल से। इस केस में अगर मैं ड्रॉडाउन की बात करूं, इसी एग्जांपल में अगर मैं ड्रॉडाउन की बात करूं, तो ड्रॉडाउन क्या है? 50% ड्रॉडाउन, 50% ड्रॉडाउन पे ये कैलकुलेशन बनी है। इसका मतलब इस जिस आदमी ने 50,000 का 65,000 बनाया है वो 50% ड्रॉडाउन लेके बनाया है, 25,000 का लॉस भी देखा गया है, तो ड्रॉडाउन 50%, क्या 50% ड्रॉडाउन अच्छी है? ये हमें समझना है और इस कैलकुलेशन से हम अपने ट्रेड्स को अब एनालाइज करेंगे। और एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि ये 38% ड्रॉडाउन। अब इन दोनों को हमें समझना है। देखिए, पहले एग्जांपल में हमने आपको बोला कि ये 50% ड्रॉडाउन है, सो 50% ड्रॉडाउन से मतलब है कि आपका कैपिटल जो है वो 50,000 से 25,000 आया है, और दूसरे एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि ये ट्रेड की जो ड्रॉडाउन है ये 38% की है,
सो लगभग हमें ड्रॉ डाउन को समझना है कि हम ड्रॉ डाउन कहाँ से कहाँ तक हम समझ रहे हैं। तो इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा एलोबरेट करके समझाते हैं। ये हाई लो का ड्रॉ डाउन मान लीजिए, अब अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो अगर हम ये माने कि हाई ड्रॉ डाउन अगर आपको मिल रहा है तो हाई रिस्क है, यानी कि ज्यादा ड्रॉ डाउन ज्यादा रिस्क। तो आपका पहला क्वेश्चन, अगर हाई ड्रॉ डाउन किसी स्ट्रेटजी में है तो वो क्या हाई रिस्क है? यस, वो बिल्कुल हाई रिस्क के ऊपर बेस्ड है। सो अगर हम ये माने कि 40 से लेके 80% की ड्रॉ डाउन है तो हाई रिस्क है, 10 से लेके 40% की रिस्क है तो बहुत कम अच्छी मानते हैं, 10 से नीचे है तो एक्सीलेंट हो जाएगी। इसका मतलब अगर किसी की ड्रॉ डाउन 5, 6, 7, 8% बिलो 10 है, जिसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये ब्रिलियंट है, ड्रॉ डाउन मानी जाएंगी एक्सीलेंसी का, इसलिए इसको हमने अपने बेंचमार्क में नहीं लिया है, बट ये भी ड्रॉ डाउन देखने को मिलती है। अभी हम आपके सामने लाइव ड्रॉ डाउन का टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि लाइव ड्रॉ डाउन कितनी आ रही है हमारी स्ट्रेटेजी में। एग्जाम्पल एशियन पेंट का आपके सामने रखना चाहेंगे, एग्जाम्पल बिल्कुल लाइव इस समय एशियन पेंट का, जो कि हमारा लाइव ट्रेड रहा है कुछ दिन पहले का। सेल 3150, 3150 के लेवल पे हमने एशियन पेंट पे बिकवाली की सलाह दी थी। लॉट साइज 125 शेयर का था, 3150 के लेवल पे ये सलाह दी गई, जो कि 12 अप्रैल को दी गई। तो आज मात्र 3 दिन ही हुए हैं इसमें, ये लाइव ट्रेड है, मेरे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, आप लोगों ने देखा भी होगा। आइए इसकी ड्रॉ डाउन कैलकुलेट करते हैं, इस ट्रेड को ड्रॉ डाउन की नजर से देखते हैं। भले ये स्टॉक 13 तारीख को जो है 3077 पहुंच गया, यहां से लगभग 77 रुपीज डिक्रीज आ गया, तो यहां पर आप देखें इस पॉइंट से एंट्री मिली गई और इस पॉइंट से स्टॉक नीचे आया 77 रुपीज लगभग। क्या इस ट्रेड में ड्रॉ डाउन कितनी देखने को मिली? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि इसमें प्रॉफिट आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ड्रॉ डाउन कितनी है। लोग यही देख के खुश हो जाते हैं कि हाँ जी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट तो आया, ड्रॉ डाउन कितनी थी इसमें वो इंपॉर्टेंट है, वो लोगों ने देखना ही नहीं है। जो लोग हाई ड्रॉ डाउन पे काम कर रहे हैं, आप वो बात मान ले, उनका अकाउंट कैपिटल रिस्क 100% है। जो लोग हाई ड्रॉ डाउन पे काम करते हैं उनको कैपिटल प्रिवेंशन उनकी बहुत कम है, क्योंकि वो कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो आज नहीं तो कल इतने हायर रिस्क पे बैठे हुए हैं कि उनका कैपिटल पूरा रिस्क पे है। तो इस एग्जाम्पल में आइए हम अब ड्रॉ डाउन चेक करते हैं कि हमारी ड्रॉ डाउन कितनी है इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में यही एक एग्जाम्पल है कि 3050 के लेवल पे हमने जो है शॉर्टिंग कॉल दी, 3150 के लेवल पे हमने बोला था कि स्टॉक नीचे गिर सकता है, जो कि गिरा, 3077 तक नीचे आया, गिरा ये वाकई, लेकिन ऊपर भी कितना गया, 3165। तो हमें ये भी तो देखना था कि ऊपर भी कितना गया, हमने तो नीचे का तो देख लिया ओवरऑल और हमने प्रॉफिट बुक करके एंजॉय किया। हमने ये नहीं देखा कि हमने ये स्टॉक 3165 तक भाई तो ऊपर ऊपर गया था इस केस में। और ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है, प्योर 12 अप्रैल का लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको लाइव टेलीग्राम से चेक कर सकते हैं। ये आइए अब इस केस में हम ड्रॉ डाउन चेक करें। तो इसको ऐसे भी मान सकते हैं क्योंकि 125 शेयर का लॉट साइज है, तो 50,000 की कैपिटल पे 59,125 का मुनाफा देखा गया और लोअर साइड पे 38,125 तक कैपिटल रिड्यूस भी हुई। तो यहां से हम ड्रॉ डाउन, अब हम अकाउंट लेवल पे बात कर रहे हैं। पहले जो हमने बात करी थी वो ट्रेड लेवल पे बात करी थी कि हमारा जो ट्रेड है 3150 का शॉर्ट, जो कि 3165 तक गया और जो नीचे आया 3077 तक, यानी कि हमारे डाउन फेवर में गया क्योंकि ये सेल का ट्रेड था हमारे पास। तो ये सेल का ट्रेड था, ये हमने आप ये आपको लाइव टेलीग्राम से ये ट्रेड लाइव भी दिखाएंगे आपको। इसमें काफी ट्रेडर्स ने प्रॉफिट भी बुक करा है, बट ये नहीं देखा उन्होंने कि ड्रॉडाउन कितनी निकली। ठीक है, 50,000 से 59 तक का मुनाफा देखा गया, 48,000 का लॉस देखा गया, तो ड्रॉडाउन 3.75%, देखिए बिलो 10, एक्सीलेंट, इसको एक्सीलेंसी का एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो क्या ये एक्सीलेंट कॉल हो सकती थी? यस, 3.7% की ड्रॉ डाउन मतलब आप बहुत ज्यादा एक्सीलेंस की तरफ चले गए हैं, तो ये कॉल आपको काफी एक्सीलेंस की तरफ लेके गई है। एक और एग्जाम्पल हम बात करें, अल्ट्राटेक सीमेंट लाइव कॉल 12 अप्रैल की 6762 का सेल, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट साइड के स्क्रीनशॉट में, लाइव कॉल का स्क्रीनशॉट है जो कि लाइव टेलीग्राम पे दी गई थी। 100 शेयर का लॉट साइज जो कि हमने आपको दिया था, अल्ट्राटेक सीमेंट 12 अप्रैल 10 बजे के प्राइस पे, इसको हम अभी लाइव देखेंगे।
क्या हुआ उसके बाद, 6762 का जो प्राइस था वो चला गया 6722, यानी कि प्राइस में डिक्रीज देखा गया। प्राइस में कितना डिक्रीज देखा गया, प्राइस में लगभग 40 रुपए का डिक्रीज देखा गया। तो स्टॉक जो यहाँ पे सेल बना वो लगभग यहाँ पे अगले दिन 40 रुपए नीचे आया। तो क्या ये अच्छा कॉल माना जाना चाहिए? यस बिल्कुल, 4000 रुपए का मुनाफा भी तो आया हमें। तो आइए इसको ऐसे समझते हैं, 6762 नीचे आया 6722 तक, 40 रुपए नीचे। तो यहाँ पे ये 40 रुपए नीचे आया स्टॉक, और यहाँ पे ये कितना ऊपर गया, 6881, तो यहाँ से ये 80 रुपए ऊपर भी गया। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 50,000 की कैपिटल पे हमने 54,000 रुपए बनाए, लेकिन 35,000 रुपए तक की ड्रॉडाउन भी देखी। तो क्या ये ट्रेड बहुत अच्छा माना जाना चाहिए? आइए इसकी ड्रॉडाउन देखते हैं, 29.7 की ड्रॉडाउन पे ये ट्रेड आया है आपके पास। तो क्या 29.7 की ड्रॉडाउन पे जो ट्रेड आया उसको अच्छा मानना चाहिए? बिल्कुल अच्छा नहीं मानना चाहिए। ऑफ कोर्स 10 से 40% की रेंज हम बहुत बड़ी रेंज है, जिसको हम बहुत ज्यादा बैड तो नहीं कह रहे, 40 से लेके 80% ड्रॉडाउन तो मतलब वर्स्ट है, यानी कि हाई कैपिटल रिस्क है इस केस में। बट इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो 29.7% की जो ड्रॉडाउन है ये काफी ज्यादा बनी जाएगी। सो ऑफकोर्स क्योंकि हमने ट्रेड का एसएल टारगेट नहीं लगाया था, तो हमें एंड में तो 54,000 का मुनाफा, 4,000 का मुनाफा देखने को मिला, लेकिन हमने ये देखा ही नहीं। तो एक्चुअल में जब हम किसी म्यूचुअल फंड या पेंशन प्लान में इन्वेस्टेड रहते हैं, किसी ट्रेड में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो हम ये देख ही नहीं पाते कि कितना लॉस हमें देखने को मिल रहा है। अनलिमिटेड रिस्क लेते हैं, लिमिटेड रिवॉर्ड लेते हैं, ड्रॉडाउन पता नहीं है। रीजन बिकॉज कि हमें अनलिमिटेड रिस्क लेने की आदत है, कि हम चाहते हैं कि हमारा बस कोई भी ट्रेड नुकसान में ना कट जाए, तो उस वजह से हम ड्रॉडाउन को नोटिस ही नहीं करते। सो ड्रॉडाउन को हमें नोटिस करना है और उसके लिए हमें सारी चीजें समझनी है। ये लाइव ड्रॉडाउन एशियन पेंट की, आइए अब हम आपको ये ड्रॉडाउन निकाल के दिखा रहे हैं और ड्रॉडाउन कैसे निकलती है, आइए ये हम समझने की कोशिश करते हैं। और सो गुड आफ्टरनून ऑल जेंटलमैन, मेरा नाम रोहित खोसला है और मैं MBA इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हूँ। लगभग मुझे स्टॉक मार्केट में 12 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के ऊपर, 24 साल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, जिसमें प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये सब इंक्लूडेड है। और लगभग मैंने 3 स्ट्रेटजीज को इन्वेंट किया है अभी तक स्टॉक मार्केट के ऊपर, इसमें कुछ एल्गो ट्रेडिंग भी है और कुछ टेक्निकल स्ट्रेटजीज भी हैं। तो आइए अब हम आपको लाइव टेस्टिंग करके दिखाते हैं अपनी एल्गो की, जो अभी फिलहाल लाइव चल रही है, और इसको देखेंगे अब हम। अब मैं आपको इसकी लाइव ड्रॉडाउन निकाल के दिखा रहा हूँ, ताकि आप इस लाइव ड्रॉडाउन को देख पाए कितनी ड्रॉडाउन इसमें दिखाई दे रही है। सो कम ड्रॉडाउन के ट्रेड्स देखने को मिलते हैं स्ट्रेटजीज में, मेरी स्ट्रेटजीज में ड्रॉडाउन लगभग कभी 10% से भी कम है, कभी 20% भी है। और ड्रॉडाउन, तो आइए अब हम अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करने जा रहे हैं। सो दोस्तों ये हमने आपके सामने ट्रेड खोला है जो हमने कल दिखाया था आपको ये ट्रेड। सो इस ट्रेड में हम लोग अब बैक टेस्ट कर रहे हैं, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, ड्रॉडाउन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था, ये जो रोबोट काम कर रहा है इस समय, इसमें फिलहाल अभी तक कितना प्रॉफिट और लॉस देखने को मिला है। तो कल इसमें जो मुनाफा था $350 का था, जो कि आज बढ़ के $625 हो चुका है। सो इसको अगर हम थोड़ा जूम करके देख लें आज, तो कल का सेशन जो लोगों ने अटेंड किया उन्होंने देखा होगा कि हमने कितना मुनाफा इस स्ट्रेटजी में दिखाया था। और ये अभी लाइव चल रही है, इसको ऑटोमेटिक रोबोट बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर $625 इस समय इसमें लाइव से प्रॉफिट बुक्ड हो चुका है, जो कि कल 350 था। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये स्ट्रेटजी रोज प्रॉफिट बना रही है, और इस स्ट्रेटजी में अभी भी प्रॉफिट चल रहा है, अभी भी लाइव चल रही है स्ट्रेटजी। और इस स्ट्रेटजी में हम लोग गोल्ड और फॉरेक्स मार्केट के ऊपर ये रन कर रहे हैं स्ट्रेटजी। आइए अब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं आपके सामने।
सो बैक टेस्ट कैसे होगी, ये स्ट्रेटेजी आई है, अब हम इसको लाइव चला रहे हैं बैक टेस्ट, और किस लिए चला रहे हैं, इसकी ड्रॉडाउन देखने के लिए चला रहे हैं। सो ड्रॉडाउन देखने के लिए मैं इस स्ट्रेटेजी को गोल्ड के ऊपर रन कर रहा हूँ, लगभग 1 जनवरी से लेके 14 अप्रैल तक रन कर रहा हूँ, और आपके सामने बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आएगा अभी। तो आइए, मैंने ये स्टार्ट करी है यहाँ से बैक टेस्टिंग, और अभी आप देखेंगे कि आपके सामने ये बैक टेस्टिंग देखिए चल पड़ी है बैक टेस्टिंग यहाँ से। सो लगभग देखिए बैक टेस्टिंग, और ये खत्म हो चुकी है बैक टेस्टिंग हमारे सामने, और इसके रिजल्ट अब हम देखना चाहेंगे। तो आइए, रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं दोस्तों, थोड़ा जूम करके देखते हैं इस रिजल्ट को। 4 महीने की बैक टेस्टिंग कम्प्लीट हो चुकी है, तो रिजल्ट के तौर पे हमारे पास 1717 बार के ऊपर ट्रेड हुआ है, लगभग $20,000 के डिपॉजिट पे ट्रेड हुआ है यहाँ पर। टोटल नंबर, टोटल नेट प्रॉफिट 5803 का टोटल प्रॉफिट इस समय क्लोज हुआ है यहाँ पर। टोटल 20,000 की कैपिटल, 5800 का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट $14,000 का, ग्रॉस लॉस $8,000 का, प्रॉफिट फैक्टर यहाँ पे 1.65 निकल के आया है। तो अभी हम यहाँ से इसकी ड्रॉडाउन पे आते हैं, आइए। सो ड्रॉडाउन पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारी जो ड्रॉडाउन निकल के आई है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 7.69%, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट कैटेगरी में अगर ये परफॉर्मेंस आ रही है तो इसका क्रेडिट मार्केट की मूवमेंट को नहीं दिया जा सकता, इसका क्रेडिट स्ट्रेटजी को दिया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेटजी ने नुकसान भी करने के बावजूद आपको प्रॉफिट निकाल के दिया है। इन केस 112 ट्रेड प्रॉफिट की तरफ शॉर्ट ट्रेड बुक हुए हैं। सो इसके अंदर सब कुछ है, हमारे स्ट्रेटजी के अंदर सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, कितना लॉस देखने को मिला है। सो ये सारा कुछ इस स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूडेड है, और एक्सीलेंट ड्रॉडाउन फिलहाल आती हुई। So, इस स्ट्रेटजी पे रिलाई करना चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ फैक्टर है जिससे कि ये चेक किया जा सकता है, सो $20,000 का डिपॉजिट, $5,800 का प्रॉफिट, $14,000 का टोटल प्रॉफिट, $8,000 का लॉस, 20,000 की कैपिटल पे $5,800 का प्रॉफिट अगर आप मान के चल रहे हैं, तो ये लगभग आपको अंदाजा है 25% से ज्यादा का मुनाफा है। सो लगभग जो रिटर्न आ रही है हमारे पास मंथली रिटर्न जो हमारे पास आ रही है इस केस में, 30% हम लगा लें 4 महीने, अभी चौथा महीना चल रहा है तो 3 महीने पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लगभग 10-1% की रिटर्न मंथली इस स्ट्रेटजी से विद लो ड्रॉडाउन, यानी कि ड्रॉडाउन भी इसमें ना के बराबर है। तो ये 7% की मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये वही ट्रेड है जो मैंने आपको अभी रन करके दिखाए हैं, जो एल्गो ट्रेड पे रन हो रहे हैं ये ट्रेड। तो इस स्ट्रेटजी को हम अच्छा स्ट्रेटजी मानेंगे। सो इस स्ट्रेटजी से भी आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, प्योरली ऑटोमेशन में काम कर रही है स्ट्रेटजी इस समय, और एल्गो ट्रेड के ऊपर काम कर रही है। सो आपको इस ट्रेड के ऊपर अगर समरी देखनी है, फिलहाल अभी भी कुछ ट्रेड चल रहे हैं दोस्तों, इसमें $625 इसमें बुक हो चुके हैं, और लगभग अभी ये ट्रेड चल भी रहे हैं हमारे पास, ये ट्रेड अभी एक्टिव देखिए चल रहे हैं, ये भी लाइव ट्रेड चल रहे हैं इसमें, अभी इसमें बुकिंग नहीं हुई है फिलहाल, अभी तक जो बुक हो चुके हैं। कल के स्टैट्स जिन लोगों ने देखे होंगे, तो देखिए $196 भी एक ट्रेड में देखने को मिल रहा है, $441 का लॉस भी देखने को मिला, 48 का मुनाफा, 111 का लॉस, 68 का फायदा, 189 का लॉस, 17, $6 का प्रॉफिट, तो ये सब कुछ अभी इसमें देखने को मिल रहा है। और अभी तक जो हिस्टोरिकल प्रॉफिट बुकिंग आई है वो लगभग $625 की आई है, और ड्रॉडाउन 7-8% के बीच में है। तो क्यों ना इस स्ट्रेटजी को रिलाय किया जाए, बिल्कुल इस स्ट्रेटजी को रिलाय कर सकते हैं, ब्लाइंडली रिलाय कर सकते हैं। 8% की ड्रॉडाउन का मतलब आपके 10 लाख रुपए जो हैं वो 9,20,000 रुपए के नीचे कभी नहीं गए। 4 महीने से आपकी ड्रॉडाउन इतनी अच्छी मेंटेन हो रही है, तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी, तो जबकि इंडियन मार्केट में ड्रॉडाउन लोग 70-70% की ड्रॉडाउन पे काम करते रहे हैं, तो उन ड्रॉडाउन पे क्या मुनाफे मिल सकते हैं, तो मुझे नहीं पता। रिस्क देखिए, मुनाफा मिलना एक अलग बात है, उसको कितना रिस्क लेके मुनाफा देखा गया वो एक अलग बात है। तो ये जो स्ट्रेटजीज मैं आपको भी दिखा रहा हूँ ड्रॉडाउन के एग्जांपल, इनको हम देखिए, ये मैं आपको इसलिए लाइव ट्रेड भी दिखाना चाह रहा हूँ एशियन पेंट का, क्योंकि मैंने ड्रॉडाउन क्यों निकाल के दिखाया, 12 अप्रैल का ट्रेड था, लाइव ट्रेड है टेलीग्राम चैनल पे, 3152 का शॉर्ट,
ये वही ट्रेड है जो मैंने आपको अभी दिखाया है जिसमें प्रॉफिट आया है, और ड्रॉडाउन किसनी, इसमें 3% की ड्रॉडाउन हुई है। तो एक और ट्रेड आपको दिखा रहे हैं, अल्ट्रा टेक, ये भी ट्रेड हमारे लाइव टेलीग्राम चैनल पे दिया गया था 6765 के भाव पे, इसकी भी मैंने आपको ड्रॉडाउन। तो लोग ये तो देख के बड़ा खुश हो जाते हैं कि प्रॉफिट आया प्रॉफिट आया, लेकिन प्रॉफिट में ड्रॉडाउन कितनी आई है ये देखना बहुत जरूरी है, ये स्ट्रेटेजी की सक्सेस। तो आज के बाद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्ट्रेटेजी से सबसे पहला ये होना चाहिए कि भैया ड्रॉडाउन दिखाओ, क्योंकि ड्रॉडाउन बिना आपकी स्ट्रेटेजी अगर हाइयर रिस्क पे का हाई रिस्क लेके प्रॉफिट बनाने का कोई यूज नहीं है। अगर आपने हाई रिस्क लिया और प्रॉफिट बनाया तो आपका कोई फायदा नहीं है, आज नहीं तो कल आप फंसेंगे ही फंसेंगे। तो कम ड्रॉडाउन की स्ट्रेटेजी जो अभी देखने को मिल रही है, तो हर ट्रेड का ड्रॉडाउन है, देखिए हर ट्रेड का ड्रॉडाउन है। अभी भी जो मैंने लाइव ट्रेड दिया है लास्ट थर्सडे को, ये चल रहा है अभी ट्रेड एलएनटी का, देखिए सामने आपके ट्रेड लगा हुआ है 3:15 पे, बीटीएसटी के ऊपर ट्रेड दिया है, बुलिश पैटर्न एलटी 1760 पे बाय करना है पी। तो इसी ड्रॉडाउन को कम करने के लिए हम कॉल ऑप्शन हेजिंग बना रहे हैं, क्यों बनाते हैं कॉल ऑप्शन है, ड्रॉडाउन कम है। सो इस ट्रेड की भी हमें ड्रॉडाउन चेक करनी है, सक्सेस के साथ साथ हमेशा ड्रॉडाउन की ड्रॉडाउन चेक करनी है। दूसरा ट्रेड दिया था फ्राइडे को इंफोसिस, तो अभी तक देखिए जितने भी प्रॉफिट हमने बनाए हैं, जितने भी प्रॉफिट आप ये देख पा रहे हैं कि हमने बनाए हैं, तो लोगों ने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट तो जरूर शेयर किए हैं हमारे साथ, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ड्रॉडाउन कितना देखने को मिला। सो ये तो हमें बताना चाहिए कि कितना ड्रॉडाउन देखने को मिला है। देखिए प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट है हमारे पास, यहाँ पे प्रॉफिट आइशर मोटर में देखने को मिला है, ये लाइव Zerodha देख पा रहे हैं, लेकिन कितना ड्रॉडाउन देखने को मिला ये नहीं पता लगा है। तो ये भी एक ट्रेड आपके सामने है, ये भी हमें यहाँ पे बजाज ऑटो में भी मुनाफा देखने को मिला है, भारतीय एयरटेल में भी देखने को मिला है, MCX में भी देखने को मिला है, लाइव Zerodha डीमैट पे देखने को मिला है। ड्रॉडाउन कितनी आई है ये नहीं पता है, ड्रॉडाउन कोई बताना ही नहीं चाहता है, छोटा कमाई करना चाह रहे हैं अनलिमिटेड रिस्क के साथ करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको अपनी ड्रॉडाउन के बारे में पता होना चाहिए। सो जितनी भी प्रॉफिट समरीज अभी तक हमने आपको दिखाई है, देखिए इसमें ड्रॉडाउन का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये देखिए ये टोटल प्रॉफिट है हमारे पास लगभग 11 अप्रैल का, अभी तक इसमें दो दिन के स्टैट्स बाकी हैं, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो है 6,23,000 रुपए का है अभी तक, 6,23,000 रुपए का प्रॉफिट लगभग 13 दिनों में, और अभी इसमें और भी सौदे जुड़े हैं क्योंकि हमने दो दिन में और भी सौदे दिए हैं और उनमें प्रॉफिट आया है, सो उनका भी इसमें कैलकुलेशन आएगा। लेकिन हमें क्या स्ट्रेटजी को ड्रॉडाउन से जोड़, तो अगर ड्रॉडाउन देखिए मशीन निकाल के देती है, या आप जैसे मैंने स्टॉक में मैनुअली निकाला है तो आप स्टॉक में भी मैनुअली निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ ट्रेड में आपको मैनुअल ट्रेड में निकाल के अभी दिखाया था, अल्ट्रा टेक सीमेंट के ऊपर निकाल के दिखाया है, और मैंने एशियन पेंट में उनका जिक्र भी यहाँ होगा उन ट्रेड्स का, एशियन पेंट और अल्ट्रा टेक सीमेंट, तो या अभी वो 11, हाँ क्योंकि वो 11 के बाद बने हैं तो इसलिए अभी इस समरी में नहीं आ पाए हैं, इनको एडिशन हम करेंगे इस समरी में, फिर हम उसकी ड्रॉडाउन से इसको कैलकुलेट करेंगे। सो जो आपने अभी तक हमारी स्ट्रेटजी देखी है उसमें हम ड्रॉडाउन देखेंगे, और ड्रॉडाउन को देख के ही हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ड्रॉडाउन को देखने के लिए आपको जो टेक्निक अपनानी है वो मैंने आपको बता दी है। तो आप हमारी ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको अभी दिखाई है अपनी स्ट्रेटजी, उसमें ड्रॉडाउन कम है काफी, और उस ड्रॉडाउन को आप लोग एज अ रिस्क फैक्टर की तरह देख सकते हैं। सो ज्यादा ड्रॉडाउन वाली स्ट्रेटजी जो है काफी नुकसान दे सकती है, सो उन स्ट्रेटजीज से आपको बचना चाहिए। मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं आपको वो स्ट्रेटजीज दिखाऊं जिसमें कि ड्रॉडाउन कम हो ताकि लॉसेस की संभावना कम हो। हाई ड्रॉडाउन से प्रॉफिट बनाने वाले को बहुत ज्यादा समझदार नहीं कहा जा सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में हाई ड्रॉडाउन है, हाई ड्रॉडाउन देखी जाती है, लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेके पैसा बनाते हैं, तो आज नहीं तो कल उनको कैपिटल से कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस हैं हाई वॉल्यूम ट्रेडर, हाई रिस्क ट्रेडर जिनका ड्रॉडाउन बड़ा है, वो लोग आज नहीं तो कल अपने कैपिटल को लूज करेंगे। लो ड्रॉडाउन वाला अपने कैपिटल को कभी लूज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ड्रॉडाउन कम है। इसीलिए मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी की भी ड्रॉडाउन दिखाई है। तो एक्चुअल बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज आई एम अ रियल ट्रेडर, सो आई एम नॉट अ ट्रेनर जो कि आपको ल्योर कर रहा है कि आप स्ट्रेटजी खरीदिए। देखिए हम मेरी भी कोशिश लो ड्रॉडाउन की है, यही सबकी कोशिश रहनी चाहिए। स्टॉक मार्केट मैंने नहीं बनाई है, मैं नहीं चलाता हूँ, कोई भी नहीं चलाता है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। सब लोग काम तो कर रहे हैं किसी तरह स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाया जाए, मेरा भी वही काम है, लेकिन हम ड्रॉडाउन को कम इस वजह से कर रहे हैं कि किसी वजह से अगर रिस्क कभी आए तो वो कितना मैक्सिमम आ सकता है, तो उसको समझने के लिए हमने आज ये सेशन लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा सेशन।
और जो लोग इस स्ट्रेटजी से मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे नंबर स्क्रीन के सामने है, यू कैन गेट इन टच विद मी। सो अगर कोई चाहे तो मंडे से वी कैन स्टार्ट दिस स्ट्रेटजी इफ यू थिंक द ड्रॉडाउन इज गुड, और इवन एल्गो ट्रेड ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। सो आई थिंक दैट इज ऑल जेंटलमैन फॉर द डे।